हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो जानने वाले हैं कि कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे हम लोग टैली को ओपन करते हैं। तो देखिए टैली का इंटरफेस यही है। हम टैली पे राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। हाँ, ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आया। दिख रहा सबको? उसके बाद से देखिए यहीं पर ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको कंपनी बनाना है। तो देखो यहीं पे लिखा है क्रिएट कंपनी, तो हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। लेकिन तुम लोग जाओगे ना तो ऐसा ऑप्शन कई लोगों में मिलेगा, कई लोगों में नहीं मिलेगा। तो सर क्यों? क्योंकि उसमें पहले से टैली सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, समझे ना? तो आप जाओगे तो नए सिरे से मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप परेशान मत होना, आप एस्केप बटन दबाना और यहीं पे का ऑप्शन आता है कंपनी। दिख रहा आपको? तो कंपनी पे क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कंपनी का। तो अभी तो हम नए सिरे से काम कर रहे हैं, तो हम कर देंगे क्रिएट कंपनी पे क्लिक। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला पूछा जा रहा कंपनी डाटा पाथ, उसके बाद से कंपनी नेम। अब कंपनी डाटा पाथ का मतलब क्या है कि जो यह डाटा सेव हो रहा है वो सी ड्राइव में यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा के नाम से सेव हो रहा है। मतलब अगर इसको खोजना है डाटा कहाँ पे रखा जा रहा है, कहाँ पे, तो सबसे सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर में आएंगे, पब्लिक में आएंगे, टेली प्राइम में आएंगे। तब तो डाटा में डाटा अब जिस नाम से बना होगा मिलेगा। तो इतना बड़ा सा लंबा प्रोसेस ना करके हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उस डाटा को रखना कहाँ पे चाहते हैं। मतलब जो काम करेंगे कहीं ना कहीं स्पेस लेगा। तो ये स्पेस जो ले रहा है वो टेली टेली जो ले रहा है सी ड्राइव में ले रहा है, और यूजर नाम के देखिए फाइल में ले रहा है, फोल्डर में ले रहा है। तो हम सोच रहे नो, हम अपने हिसाब से बनाए। इसके लिए क्या करोगे, आ जाओगे दिस पीसी पे। कहाँ पे? दिस पीसी पे। और सबसे ज्यादा जो सिक्योर होता है वो होता है डी ड्राइव, ठीक है ना? तो हम डी ड्राइव पे आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और हम जिस नाम से बना देंगे जो हमें याद रहे वैसे आप लोग सेव कर लीजिएगा। चलो थ्री पीएम, इस हमको याद रहे, इसी में रखना हमको। क्लिक, बन गया ना? अब इसकी जरूरत नहीं है। आ जाएंगे टैली पे और फिर से बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस, और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आएंगे, उसके बाद नीचे डी ड्राइव इंटर, और डी ड्राइव में हमने कहाँ रखा है जी, तो यहाँ पे खोज लेंगे मिलेगा ऊपर है, और इंटर दबा देंगे, फिर से इंटर दबा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यह कंपनी डाटा पाथ जो सेव हुआ कहाँ सेव हुआ है, डी ड्राइव में। कालम का मतलब क्या है, ड्राइव बता रहा है। डी ड्राइव में 3 PM नाम का फोल्डर, उसी में डाटा सेव हुआ है। हो जाएगा, सभी लोग कर लोगे ना? उसके बाद कंपनी नेम, तो चलिए कंपनी नेम क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो आ जाएंगे यहाँ पे और टाइप कर देंगे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड।
उसके बाद से मेलिंग नेम में वही नाम आ जाएगा, कुछ भरेंगे नहीं। एड्रेस, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे देखो सारा डिटेल एक एक करके दिया है, यहाँ पे बना के दिखा रहा है, दिख रहा है आपको ना। एड्रेस में क्या है, रेलवे स्टेशन रोड पड़ौना कुशीनगर, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। पटना इंटर कुशीनगर इंटर। अब स्टेट पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो हमारा जो फर्म चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, यूपी में, ठीक है ना। तो स्टेट हमने ले लिया क्या, यूपी। और यहाँ पे आने के बाद से कंट्री इंडिया पहले से है, अगर मान लो यह सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा हो फॉरेन में, तो यहाँ पे बैक इस पे दबाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे काम हो रहा है। बहुत सारे दिए हैं, भूटान, घाना, हांगकांग, ठीक है, जहाँ के होंगे ले लेंगे। चलिए इंडिया है लो।